वही लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुटा है, लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी एआरओ एपी वाजपेयी ने नगर निगम की बैड़ी सेना को बूथ ए अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2019 के चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा के जिन बूथों में कम मतदान हुआ वहां मतदाता जागरूकता तेजी के साथ चलाए जाने को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है और लगातार कई माध्यमों से अपील की जा रही है ताकि युवाओं को सरकार चुनने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें लोकतंत्र की महत्ता समझाई जा सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में चूँकि हल्द्वानी में बैणी सेना एक नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है तो बैणी सेना को भी हम लोग बूथ अवेयरनेस ग्रुप का एक सदस्य बना रहे हैं और आज इसी के संबंध में ये बैठक की गई है और उनको ये अवगत कराया गया कि उनके सहयोग से हल्द्वानी विधानसभा के जो पोलिंग बूथ हैं उस पर वोटर अवेयरनेस करते हुए पोलिंग परसेंटेज को किस तरह से बढ़ाया जाना।